नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के भुज से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद से सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि आखिर सलमान के घर पर फायरिंग करने वालों के मंसूबे क्या है, सलमान के घर पर फायरिंग करने की आखिर क्या वजह है। तो इन तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस घटना को अंजाम देने की दो बड़ी वजह सामने आई है। आखिर क्या थी वो वजह, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। चौदह अप्रैल को मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर दो अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी। इसके बाद से पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी और बदमाशों को खोजने में लगी थी। उसी कड़ी में मुंबई क्राइम ब्रांच ने विक्की गुप्ता और सागर पाल नाम के दो आरोपियों को गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया। इसके बाद मुंबई के किला कोर्ट ने आरोपियों को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया। बता दें कि मुंबई पुलिस ने कोर्ट में दोनों आरोपियों की 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 2 अप्रैल को 24,000 रुपए में बाइक खरीदी। ये दोनों 28 फरवरी को मुंबई आए और 3 मार्च को पनवेल में घर किराए पर लिया। यहाँ उन्होंने अपना असली आधार कार्ड दिया था। 29 फरवरी से 1 मार्च के बीच वो बांद्रा और ताज लैंड्स एंड के पास नजर आए थे। मार्च को ही वो पनवेल पहुँचे। इन्होंने सलमान के घर की 3 से 4 बार रेकी की। दोनों के पास से एक फोन बरामद हुआ है। शक है कि इन्होंने एक फोन तोड़ दिया है। दोनों आरोपी लगातार किसी के संपर्क में थे। हम जांच कर रहे हैं कि क्या कोई लोकल उनकी मदद कर रहा था। हम ये भी जांच कर रहे हैं कि क्या इन दोनों आरोपियों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बुध से उनका क्या कनेक्शन है, इसकी भी पड़ताल की जाएगी। शुरुआती जांच के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि वे प्राइवेट कार से यहां से फरार हुए और बाद में स्टेट ट्रांसपोर्ट बसों का इस्तेमाल किया। इस पूरे केस में लगभग सारा पेमेंट उन्होंने कैश में ही किया। वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले से जुड़ी कुछ जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक सलमान के घर पर फायरिंग करने की दो सबसे बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली तो ये कि सलमान खान को इस बात का एहसास दिलाना कि वो लॉरेंस विश्नोई गैंग की पहुंच से बहुत दूर नहीं है। दूसरी और सबसे बड़ी वजह मुंबई के दौलतमंदों से मोटी एक्सटॉर्शन वसूल करना भी हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की माने तो यही वजह है कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के बाद सोशल मीडिया पर कबूलनामे का जो फेसबुक पोस्ट डाला गया उसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिखा था। सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि दाऊद का नाम लिखने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये बताने की है कि अब मुंबई में दाऊद की कोई हैसियत नहीं है। सुपरस्टार सलमान के घर पर फायरिंग करवाकर लॉरेंस विश्नोई गैंग मुंबई को एक्सटॉर्शन की एक बड़ी मार्केट के तौर पर देख रहा है। बता दें कि इस घटना ने हलचल मचा दी थी। अब जांच जारी है, देखना होगा कि मामले में क्या क्या और नए खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।